राज्य कर्मियों का मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल में ध्यान रखने वाले योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी तोहफा देने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के करीब 16 लाख सरकारी कर्मियों को 3% बड़े दर से डीए देने की तैयारी में लगी है। उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को जुलाई से 3% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते डीए का नगद भुगतान होने की उम्मीद है। 11.52 लाख पेंशनर भी बढ़ी दर से महंगाई राहत डीआर की बाट जो रहे हैं। कर्मचारी संगठनों व उनके पदाधिकारियों ने भी राज्य सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ठीक बताते हुए बढ़ी दर से डीए व डीआर के भुगतान की मांग की है। सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में वृद्धि जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2022 से 3% की बढ़ी दर से डीए व डीआर देने का फैसला मार्च में किया था। इस फैसले के फलस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए व डीआर 31 से बढ़कर 34% हो गया। वहीं राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को अभी 31% की दर से डीए व डीआर मिल रहा है। डीए व डीआर के मामले में राज्य की केंद्र से समक्षता है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को डीए डीआर अब तक नहीं बढ़ाया। डीए डीआर में जुलाई में फिर वृद्धि होनी है। 1-2 साल को अपवाद मान लें तो पूर्व के वर्षों में कर्मचारियों को जनवरी से दे अतिरिक्त डीए का नगद भुगतान जुलाई के महीने से होने लगता था। इसी आधार पर कर्मचारी व पेंशनर डीए डीआर बढ़ने की उम्मीद लगाए हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% की बड़ी दर से डीए व डीआर का भुगतान करने पर सरकार पर प्रतिमाह 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने राज्य कर्मचारियों को 3% की बढ़ी दर से डीए का नगद भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार का वचनबद्ध व्यय है। केंद्र सरकार जहां जुलाई में फिर से बढ़ने वाले डीए का भुगतान करने की तैयारी कर रही है, वहीं राज्य सरकार अभी पिछला भुगतान ही नहीं कर पाई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा का भी कहना है कि लाखों कर्मचारी बड़ी दर से डीए के नगद भुगतान की आस लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।